नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, जिसकी मदद से टीचर्स एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बना सकते हैं, जो स्टोरी एक कॉमिक से जैसे होती है। सैंपल आपके सामने है। इस स्टोरी में एक पापा जी घर पे आ रहे हैं। वो दिल में सोच रहे हैं, चलो घर आ गया। जैसे वो घर में आए, उनके बेटे ने उनसे कहा कि आप सैनिटाइज हो जाइए। उन्होंने कहा हाँ जरूर। उसके बाद पापा जी बाथरूम में वॉशरूम में गए और वहां पे उन्होंने सैनिटाइज होना शुरू कर दिया। तो इस तरह की एक स्टोरी हम आसानी से और फ्री बना सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर हमें अवेलेबल होते हैं। जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ वो है storyboardthat.com। इस साइट पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है ब्राउजर में, सर्च कीजिए storyboardthat पर। क्लिक करने के बाद आप आएंगे इस साइट पर। इस साइट पर पहले आपको साइन अप करना होगा। उससे पहले आप प्राइसिंग इसकी देख ले। ये यहाँ की प्राइसिंग है। अगर आप प्राइसिंग लेते हैं, अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो फ्री वर्जन में भी बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे इलस्ट्रेशन है और हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टोरी बोर्ड्स पर भी बना सकते हैं। एक स्टोरी में 3 या सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये भी वर्जन कुछ बुरा नहीं है, तो हम इसके लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा एक ईमेल आईडी के साथ। ईमेल आईडी के बाद आपको एक लिंक आएगी आपके अकाउंट में, तो आपके ईमेल पर जाकर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आपको storyboardthat.com पर आकर साइन इन करना है। यहां पर आने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड में। अब ये थोड़ा वीडियो जो है बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है। मैं सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसमें से ज्यादा फीचर्स बताने की कोशिश करूंगा। इनको बोलते हैं सेल। यहाँ पर 3 सेल है। आपको ज्यादा सेल चाहिए तो उसके पेड वर्जन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 सेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये स्टोरी बोर्ड का लेआउट यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हमें जो पिक्चर चाहिए किस फॉर्मेट में चाहिए, सेल ओनली चाहिए या उसका टाइटल भी चाहिए। तो हम टाइटल भी दे सकते हैं इस तरह से। ये स्टोरी बोर्ड का ये सेल, इसको बोलते हैं सेल। हम इसमें ऐड कर सकते हैं सेल। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेल्स ले सकते हैं। अगर ज़्यादा सेल चाहिए तो पेड वर्जन लेना होगा। हम सेल्स को मूव कर सकते हैं, जिस तरह से हम पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड को मूव करते हैं, उसी तरह की पूरी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मैं कोई खास स्टोरी बनाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि किस तरह से ये सारे फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप वाली लाइन में आते हैं, जहाँ सीन लिखा है। सीन पर क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे सीन्स रेडीमेड अवेलेबल है। आपके मन में जो भी स्टोरी आप स्टूडेंट को बताना चाहते हो, वो स्टोरी आप पहले सिलेक्ट, आपकी स्टोरी पहले तैयार होनी चाहिए। तो उसका ये बैकग्राउंड के इतने सारे फीचर्स है। सीन्स में ये टाउन का टैब है, उस तरह से एंटरटेनमेंट का टैब है, उस तरह से इंडोर के भी टैब है। तो आप ये सारे टैब देखिए, कौन से टैब आपको आपके स्टोरी के लिए चाहिए, जो भी पिक्चर्स चाहिए सारे पूरे आप देखिए एक के बाद एक। तो जो भी स्टोरी आपको बनानी है, आपको स्टोरी के हिसाब से ये बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करनी है। तो पहले आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा तीनों सेल्स के लिए। जैसे मैंने यहां पर ये कर ली। अगर आप पहले सारे अगर बैकग्राउंड ले लेते तो आपको स्टोरी बनाने में आसानी होती। जैसे सेकंड
यह अलग अलग बैकग्राउंड मैंने ले लिए। अब जब आपको इसमें कैरेक्टर लेने होते हैं तो आपको सेकंड टैब होती है कैरेक्टर्स की, इतने सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ मास्क भी अवेलेबल है, हम कैरेक्टर को मास्क भी लगा सकते हैं। इन कैरेक्टर में पहला टैब था एडल्ट्स का, आपको टीन्स चाहिए तो टीनेजर्स भी यहाँ पर है, किड्स भी है। आप सारे टैब देखिए, जो भी आपके स्टोरी के हिसाब से जो भी सूट करता है आप उनको सारे ब्राउज कीजिए, उसके बाद ही सिलेक्ट कीजिए कौन सा कैरेक्टर्स आपके स्टोरी में सूट करता है। अगर आपका एक ही कैरेक्टर तीनों सेल्स में आता है तो आपको चाहिए कि आप एक ही बार में सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करना है, उसी कैरेक्टर को उठाकर जिन भी सेल्स में चाहिए उसमें उनको रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बाद में हो सकता है आपको टाइम लग जाए इनको ढूंढने में, तो इसलिए पहले ही आप उनको रैंडमली सिर्फ रख दीजिए जहाँ जहाँ उनकी जरूरत लगने वाली है, हम उनको अरेंज बाद में कर सकते हैं। कैरेक्टर्स हो गए, इस तरह से हमने बैकग्राउंड ले लिया है और कैरेक्टर भी ले लिए। अब आप जो भी शायद इसको टाइटल देना चाहे टाइटल दे सकते हैं। आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। अब आते हैं कैरेक्टर को, अब कैरेक्टर को हमारे हिसाब से करना है, उससे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड को किस तरह से एडिट किया जा सकता है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड सिलेक्ट होती है, होते ही यहाँ पर ये एडिट ऑप्शन आ जाते हैं। एडिट सीन पे अगर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये डेट टाइम का चाहिए, नाइट टाइम का चाहिए, इसको चेंज कर सकते हैं, सीन को सीजन वाइज चेंज कर सकते हैं, क्लियर स्क्रीन है या फिर स्नोफॉल हो रहा है या फिर रेन हो रहा है, तो ये अलग अलग सीजन भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अपडेट सीन पे क्लिक किया तो यहाँ पर रेनी सीजन का एक लुक आ गया है। हम उसी तरह से हर एक बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। हर एक बैकग्राउंड के लिए टाइम ऑफ द डे होता है और वेदर होता है। इस तरह से एडिट सीन कर सकते हैं। अब हम इन कैरेक्टर को भी अलग अलग पोस्चर में एडिट कर सकते हैं। जिस भी कैरेक्टर को एडिट करना पड़े उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यह आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से उनको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लेयर्स में आप उनको कैरेक्टर को आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। अब एडिट एडिट पोज में हमें करना है, इसको पहले सीधे कर लेता हूँ। हाँ चलिए, अब इसको एडिट पोज में हम इनकी अलग अलग तरीके से पोजेस चेंज कर सकते हैं। पहले हम इनके एक्सप्रेशन भी बदल सकते हैं अगर हम चाहे तो। इनके देखिए ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, जैसे आप जिन भी एक्सप्रेशन पर क्लिक करोगे वो एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी। अब आपको ये डिसाइड करना है उनकी बॉडी पोस्चर क्या होगी। इसके बाद अगर प्री सेट पोजेस भी यहाँ पे होते हैं, अगर आप मैन्युअली नहीं पता आपको, सिटिंग, वॉकिंग, होल्डिंग, स्केयर्ड, हैप्पी, तो ये पोजेस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपडेट पोज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर यहाँ पर उसी पोज में आ गया है। अब हम इनको देखते हैं, अब ये दूसरा जो छोटा बच्चा है इसको हम यहाँ पे झूले पे बिठाते हैं इसकी पोज एडिट करके, तो हमें उसके पोजीशन चेंज करनी होगी, सिटिंग की पोजीशन यहाँ ले ली है, और हम इसको इस तरह से साइड व्यू और फ्रंट व्यू भी कर सकते हैं या फिर बैक व्यू भी कर सकते हैं। तो फ्रंट व्यू भी रखते हैं क्योंकि ये फ्रंट फेसिंग झूला है, तो इसको हमने यहाँ पे इसको झूले पे बिठा दिया है।
अब इसके हाथ हम नहीं किए, एडिट पोज कर देते उनके हाथ को भी। ये है लेफ्ट आर्म और ये राइट आर्म, तो ये हो गया, ये झूले पे पूरी तरह से बैठ गया है। इस तरह से हमने बैकग्राउंड को कर लिया एडिट, अब कैरेक्टर को भी एडिट कर लिया है। अब इनको हम देते हैं कुछ टेक्सेबल्स, मतलब जो भी इनके डायलॉग होंगे वो डायलॉग के लिए हमें टेक्सेबल चाहिए। यहां से एक टेक्सेबल हमें सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करना और इसके अंदर टाइप करना है। ये टाइपिंग का यहाँ पे कलर है, इसका फॉन्ट साइज है, इसका फॉन्ट स्टाइल है, ये सारी चीजें जैसे एमएस वर्ड में होते हैं उसी तरह से यहाँ पर है। ये टेक्सेबल का साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अलग अलग टेक्सेबल आप यूज कर करके देखिए। हम इनको कम ज्यादा कर सकते हैं। टेक्सेबल के बाद हम यहां पर कुछ डेकोरेटिव कर सकते हैं। अलग अलग लेबल हम यहाँ पर ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट है अलग अलग। एक्शन है अलग अलग। उसके बाद हम यहाँ पे शेप इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग। इन्फोग्राफिक्स भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ साइंस के ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ वेब रेफरेंस होंगे। जितना करो उतना इस यहाँ पे कम है। अगर हम कोई एडिशनल आ जाता है तो जिस तरह से डिलीट कर सकते हैं उसी तरह से हमें डिलीट करना है, नॉर्मली जिस तरह से डिलीट करते हैं। इसको करना है सेव। अब जैसे सेव करने से पहले ये भी दिखा देता हूँ किस तरह से मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सीक्वेंस चेंज करना है तो मूव सेल पे क्लिक किया, उसके बाद इस सेल को यहाँ रखना है तो इसको फ्लिप कर दिया। एक बार फिर से करते हैं, उसके बाद डन पे क्लिक करना है, वहां पे सेव हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक ही सीन दो बार चाहिए, दो सेल में कंटिन्यू वही सेम सीन चाहिए तो आप कॉपी सेल कर सकते हो, ताकि जो पूरा सीन का सेटिंग है उसी तरह से बना रहे और स्टोरी में कंटिन्यूटी दिखे। ये होने के बाद आपको सेव करना है ये प्रोजेक्ट आपका, ये स्टोरी आपकी सेव हो गई है। इसको टाइटल दीजिए जो भी आपकी स्टोरी का है, उसका टाइटल दीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, देन सेव स्टोरी बोर्ड। इस तरह से आपकी जो स्टोरी है वो सेव हो गई। इसके लिए आपको पहले से बहुत सोच विचार के रखना होगा कि आपको कौन से कैरेक्टर चाहिए, किस तरह की स्टोरी बनानी है, उसके डायलॉग क्या होंगे, किस तरह से होंगे। ये सारे यहाँ पर सेव हो गए हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पर स्लाइड शो करके प्रीव्यू दे सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड किस फॉर्मेट में करना है ये आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये फ्री अकाउंट है तो इमेज पर वाटरमार्क आएगा, लेकिन फ्री दे रहे तो वाटरमार्क से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के हम एक हफ्ते में दो स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं और इस तरह से अलग अलग स्टोरी को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो
इसका इस्तेमाल कीजिए और लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बनाइए। थैंक यू।